आइए स्टूडेंट्स, अब तीनों को एक साथ देखते हैं। हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, तीनों को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, पहले हीट इंजन में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए हीट इंजन क्या करता है। जो भी फ्यूल जलता है, पेट्रोल, डीजल वगैरह, सीएनजी वगैरह, जो भी फ्यूल जलता है, तो जलने से जो हीट एनर्जी जनरेट होती है, दैट इज Q1। ठीक है, तो ये हीट एनर्जी क्या होती है, हाई टेम्परेचर होती है। फ्यूल जब जलता है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाई टेम्परेचर से क्या करता है, हाई टेम्परेचर जो सोर्स होता है, जहां पर वो जल रही होती है, वहां सिलेंडर के अंदर से क्या करती है, Q1 अमाउंट में हीट लेता है। मान लिया कितनी एनर्जी ली, 100 एनर्जी ली। ठीक है, 100 किलोजूल एनर्जी ली। ठीक है, इतनी एनर्जी क्या होती है, इंजन को दी जाती है। बदले में इंजन क्या करता है, मान लो सो 60 यूनिट किलोजूल वर्कडन दे दिया, यानी इंजन को क्या किया गया, 100 किलोजूल एनर्जी दी गई, उसने बदले में 60 किलोजूल का काम करके आपको दे दिया, वर्कडन आपको प्रोवाइड करा दिया, मतलब गाड़ी इतनी आगे बढ़ गई। ठीक है, कितने वर्क से, 60 किलोजूल से। बाकी का क्या, जो 100 हमने दी थी, बाकी की जो 40 बची उसका क्या, तो बाकी की 40 रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट हो गई मतलब एटमोस्फियर को चली गई। ठीक है, एटमोस्फियर को चली गई, क्योंकि आपने देखा होगा साइलेंसर से क्या होती है, गर्म गर्म गैसेस निकलती रहती है, तो हीट ही तो रिजेक्ट हो रही है, हीट ही तो बेकार जा रही है, वेस्टेज हो रही है। तो 40 क्या हो गई, लो टेम्परेचर सोर्स, लो टेम्परेचर यानी एटमोस्फियर को चली जाती है। ठीक है, तो ये होता है आपका 40 किलो जूल रिजेक्ट हो गई। तो देखो अब इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। तो देखो अब आप सीधे सीधे देखिए, यहां से सीधे सीधे आप देख पा रहे हैं कि 40 + 60 = 100, आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं। ठीक है, या आप ऐसे कह लो, देखो इन क्या हो रहा है सिस्टम में, इन क्या हो रहा है Q1, आउट क्या हो रहा है W और Q2। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं यहां पे कि भाई Q1, ठीक है, ये क्या हो गया Q1 और ये क्या हो गया Q2 + W। तो या आप सीधे सीधे कह सकते हैं Q1 - Q2 = W। ठीक है, तो ये टर्म हम याद रखेंगे, आगे सभी में काम आने वाला, तीनों में सेम फॉर्मूला बनेगा तीनों में। देखो यहां पे भी क्या है, Q1 एक ही आउट है, बाकी दो इन हो रहे हैं, तो Q1 बराबर हो जाएगा Q2 + W के। यहाँ पे भी सेम चीज। ठीक है, देखो क्या होगा, Q1 आउट हो रहा है, इन क्या हो रहा है W और Q2, तो Q2 + W = Q1, तो सेम रिलेशन सभी में बनेगा। अब देखिए इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो हीट इंजन की एफिशिएंसी या किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी निकालते हैं, तो हम क्या निकालते हैं, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। अब देखो भाई इस इंजन में आउटपुट क्या है, तो देखो इन हो रहा है Q1, आउट क्या हो रहा है W और Q2। तो आपको ध्यान रखना, आउटपुट वो वाली लेनी है जो हम डिजायर्ड है, जो चाहते हैं। ठीक है, तो इंजन से हम क्या चाहते हैं, इंजन से ये थोड़ी ना चाहते हैं साइलेंसर से गैसेस वेस्ट होती रहे, ज्यादा से ज्यादा वेस्ट। हम क्या चाहते हैं, वर्क डन चाहते हैं कि गाड़ी ज्यादा से ज्यादा काम करके दे। तो डिजायर्ड वाली आपको आउटपुट लेनी है डिवाइड बाय इनपुट, इनपुट क्या की थी Q1। ठीक है, तो इस तरह से, या आप ऐसे भी कह सकते हैं भाई इसको, देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं W को Q1 - Q2। देखो लिख सकता हूं क्या, W को Q1 - Q2 / Q1। तो ये क्या बना आपका, ये बन गया आपका 1 - Q2 / Q1, इस तरह से बन जाएगा। देखो ठीक है, Q1 / Q2 / Q1। तो इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बन जाएगा। अब सुनो, तो ETA = क्या आ गया है, मैं क्या कह रहा हूं, 1 - Q2 / Q1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 - TL / TH, देख लीजिएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी कि जो हीट का रेशो है, ठीक है, जो हीट का रेशो होता है, अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ इंजन, ठीक है, क्या आई हमारी, ये आई 1 - Q2 / Q1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - TL / TH। ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया। जब देखिए ये टेम्परेचर की फॉर्म में, यानी कि जो हीट का रेशियो है, हीट का अनुपात है, उसको मैंने टेम्परेचर के अनुपात में लिख दिया। तो आपको ध्यान रखना, ये टर्म हीट के रेशियो को टेम्परेचर के रेशियो में तभी कन्वर्ट कर सकते हो जब आपको दिया हो इंजन रिवर्सिबल है, या इंजन आइडियल है, या इंजन परफेक्ट है, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल उसने किया हो, तभी आपको टेम्परेचर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नहीं तो आपको सिंपली केवल हीट के रेशियो में और वर्क के रेशियो में ही काम करना है। चलिए अब देखते हैं, आते हैं किस पर, रेफ्रिजरेटर पे। अब किसकी ओर मूव करते हैं, अब हम मूव करते हैं रेफ्रिजरेटर की तरफ। तो देखो पहले जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर से हम चाहते क्या है, डिजायर्ड क्या है। तो देखिए रेफ्रिजरेटर है लोअर टेम्परेचर, फ्रिज है लोअर टेम्परेचर पे, ये वाला पोर्शन क्या है, लोअर टेम्परेचर। यहां समझो क्या लिखा है, पोटैटो रखा है, ठीक है, पोटैटो रखा, आलू रखा है, तो हम क्या चाहते हैं, सब्जी है, ज्यादा से ज्यादा ठंडी हो, ज्यादा से ज्यादा कूलिंग हो इसकी। ठीक है, तो कूलिंग कब होगी, जब इस गुड से, ये जो वस्तुएं रखी हैं, गुड्स वगैरह रखी हैं, जो भी हैं, उनसे हीट ज्यादा से ज्यादा निकल के बाहर जाएगी। तो आपके शरीर से हीट बाहर निकलती है, तो आपको ठंडा फील होता है। इसी तरह से, यानी हम चाहते हैं कि ये वाला एरिया जो है ज्यादा से ज्यादा कूल रहे, ज्यादा से ज्यादा ठंडा रहे, यानी यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी अमाउंट ऑफ कूलिंग ज्यादा से ज्यादा हो। तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, Q2, डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, Q2, हम चाहते हैं कि Q2 ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक,
और बदले में हमें क्या देना पड़ रहा है, हम उस पर ये जो Q2 अमाउंट में हीट निकल रही है हम उसको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, जिससे वो और ज़्यादा गर्म हो जाती है और Q1 हीट रिजेक्ट हो जाती है और Q1 क्या हो जाती है, हाइयर टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर वर्क डन किया, Q2 जो आई थी हमने उसको दबाया, कंप्रेस किया, उसके ऊपर वर्क डन किया, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ गया और वो Q1 हाइयर टेम्परेचर को रिजेक्ट हो गई। अब सुनिए, तो COP ऑफ किसका, रेफ्रिजरेटर का COP क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट, ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ही है, डिवाइड बाय वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट क्या है, यहाँ पे देखिए आप खुद से, ठीक है, खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट Q2 डिवाइड बाय वर्क इनपुट क्या है, तो W है, ठीक, ये हुआ। अब देखिए COP ऑफ रेफ्रिजरेटर फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, Q2 अपॉन W, ठीक है, क्या आए, Q2 अपॉन W को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या फिर कह रहा हूँ टेम्परेचर के टर्म में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं TL डिवाइड बाई TH, यानी T हाइयर माइनस T लोअर, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन टेम्परेचर वाला कब लिखना है आपको, जब रिवर्सिबल दिया हो, आइडियल दिया हो या परफेक्ट दिया हो, तभी आप ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल Q और W के रेशियो में ही काम करें, ठीक। अब सुनिए, ये हुआ COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसको मैंने एफिशिएंसी लिखा, इसको मैंने COP लिखा, क्योंकि क्या होता है COP की वैल्यू कभी कभी 1 से भी बड़ी आ जाती है, यानी ये पॉसिबल है कि COP की वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा आए, तो 1 से ज़्यादा आ जाएगी, यानी उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई सपोज करो 1.5 आ गई, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150% आ जाएगा, तो एफिशिएंसी तो 150% हो नहीं सकती है, क्योंकि ये COP की वैल्यू 100% से ज़्यादा आ जाती है, इसलिए हम उसको एफिशिएंसी का नाम नहीं दे सकते, इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया, COP, यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये हमने उसको नाम दिया है। चलिए दोस्तों, ये नाम दिया, अब आगे चलते हैं, COP निकालते हैं किसका, हीट पंप का। चलिए COP ऑफ हीट पंप निकालने की कोशिश करते हैं, इस पर लिख देते COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब देखिए ये हमारा हीट पंप, हीट पंप से क्या कर चाहते हैं कि वो हीट करे, गर्म करे, किस जगह को, जिस जगह को हम चाहते हैं, रेफ्रिजरेटर चाहते हैं वो ठंडा करे किसी स्पेस को, किसी जगह को, हीट पंप से चाहते हैं हम क्या, वो हीट करे किसी स्पेस को, किसी जगह को। तो देखो ये है, गर्म करेगा तो वहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा, ज़्यादा, तो ये आपका सपोज कर लो रूम है, ठीक है, ये क्या है, रूम, सर्दियों के दिनों की बात हो रही है, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका रूम जो है वो गर्म रहे, कहाँ से गर्म, एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से गर्म रहे, ठीक है, तो ये आपका रूम है, तो गर्म कब रहेगा भाई, हाइयर टेम्परेचर पर हीट आएगी तब तो गर्म रहेगा, यहाँ तो लो टेम्परेचर, तो ये तो गर्मी वाला स्पेस है नहीं जगह, तो ये वाली जगह है, तो ये वाला स्पेस आप क्या चाहते हैं, ये गर्म रहे, तो आप गर्म रहे, तो यानी आप क्या चाहते हैं, Q1 यानी ज़्यादा से ज़्यादा हीट यहाँ पे आए, तो डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या हो गया आपका, फॉर्मूला लिखेंगे डिज़ायर्ड इफेक्ट, ठीक है, डिज़ायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट, क्या है, डिज़ायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। तो देखिए डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या है, तो हम चाहते हैं Q1 ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो, ठीक है, COP ऑफ हीट पम्प की वैल्यू चल रही है, डिवाइड बाय वर्क इनपुट क्या हुआ, W। अब देखिए ये हुआ, ये आया फॉर्मूला, अब देखिए फॉर्मूला सिंपल आ गया, यानी तीनों के फॉर्मूले तो सिंपल आ गए, अब हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों फॉर्मूले में कुछ ना कुछ रिलेशन बिठाने वाले हैं कि भाई एक चीज़ का पता चले कर तो ये भी निकाल दिया करें, वो भी निकाल दिया करें, ठीक है, तो ऐसा कोई रिलेशन हम निकालने वाले हैं इसमें। तो देखिए क्या करेंगे, तो ये सभी लोग जान चुके हैं कि भाई Q1 माइनस Q2 बराबर क्या होता है, Q1 माइनस Q2 क्या होता है, W होता है। आइए अब देखते हैं, देखिए ऊपर वाला जो Q1 है उस Q1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, Q2 प्लस W, Q1 को क्या Q2 प्लस W लिखा जा सकता है, देखिए ये क्या लिखा था, Q1 माइनस Q2 बराबर W, और ये फॉर्मूला सभी में वैलिड है, देख लीजिए W Q2 दोनों ऐड हुए और निकला क्या, Q1, तो आप कह सकते हैं कि Q1 बराबर Q2 प्लस W। तो मैंने यहाँ से क्या देखा, मैंने Q1 को क्या लिख सकता हूँ, Q1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q2 प्लस W देखिए लिख सकता हूँ। चलिए अब देखिए मैंने क्या किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया, थोड़ा इसको ब्रेकअप किया, तो ये क्या हो गया, Q2 डिवाइड बाई W प्लस W डिवाइड बाई W, ठीक। अब ये क्या आ गया, COP ऑफ हीट पंप यही चल रहा है, तो ये क्या आ गया, आप देखिए Q2 डिवाइड बाई W प्लस W डिवाइड बाई W, ये कितना आ गया 1, ठीक है, ये कितना आ गया 1। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अब जरा वहां जाके देखिए रेफ्रिजरेटर के COP का फॉर्मूला क्या था, ठीक, तो ये देखिए रेफ्रिजरेटर के COP का फॉर्मूला क्या था, Q2 अपॉन W, क्या था, Q2 अपॉन W। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू Q2 अपॉन W की जगह क्या लिख दूँ, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। तो इस तरह से ये रिलेशन आ गया किसमें, हीट पंप के COP में और रेफ्रिजरेटर के COP में रिलेशन आ गया, ठीक, ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की।
एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए आप, ये देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखिए क्या आ रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखिए, इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, W अपॉन क्यू वन। सी ओ पी ऑफ हीट पंप देखिए क्या है, सी ओ पी ऑफ हीट पंप देखिए क्या है, क्यू वन अपॉन W। तो देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला W अपॉन क्यू वन और हीट पंप का फॉर्मूला है Q1 अपॉन W, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं, रिवर्स हैं जस्ट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ऐसे भी आप कह सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इक्वल टू 1 अपॉन COP ऑफ हीट पंप, ठीक है। इस तरह से भी आप चीजों को कह सकते हैं, लेकिन कब, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कुछ। कब आप तब कह सकते हैं जब इसी हीट इंजन को, इसी हीट इंजन को एज ए रेफ्रिजरेटर यूज किया जा रहा हो, ध्यान रखिएगा, जब इसी वाले हीट इंजन को रेफ्रिजरेटर उस हीट पंप के फॉर्म में यूज किया जा रहा हो तभी रिलेशन वैलिड है। इसी तरह ये जो फॉर्मूला है सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस वन, इसका मतलब ये है इसी वाले रेफ्रिजरेटर को जब हीट पंप की तरह यूज किया जा रहा हो या इसी हीट पंप को किसकी तरह यूज किया जा रहा हो, रेफ्रिजरेटर की तरह, तभी ये फॉर्मूले काम करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप रेफ्रिजरेटर कोई और ले रहे हो, ठीक है, और हीट पंप कोई दूसरा, दोनों की कंपैरिजन करो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हीट पंप भी वही होना चाहिए और क्या कहते हैं रेफ्रिजरेटर उसी को यूज कर रहे हैं, तब ये फॉर्मूले वैलिड हैं, नहीं तो ये वैलिड नहीं है। तो ये फॉर्मूले हैं कुछ आए हैं, तो आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल भूलना नहीं है, ध्यान रखना।